नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण की बात करें तो तीनों ही वर्ग में हिंदी व्याकरण से प्रश्न बनते हैं। आप वर्ग एक की बात करें तो वर्ग एक में आपके जो है 100 नंबर का पेपर आएगा वर्ग एक के लिए, तो इम्पोर्टेंट है व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए। तो अगर आपने वर्ग एक का पेपर का फॉर्म भर दिया है तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख ले 30 प्रश्न की। और जो आने वाले एग्जाम की बात करें 3 और 2 की, तो उनके लिए भी एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसके पहले आप जो है अपनी तैयारी को पूर्ण कर लें। तो उसमें भी आपकी वर्ग 3 में भी आपकी देखें तो हिंदी और वर्ग 2 में भी हिंदी आने वाली है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर में जो कि आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है इन प्रश्नों में, तो उसको समझते हैं। तो ता वर्ग जो है वो उसका आंसर जो है बी आंसर सही है, जो कि दंत है। अब दंत मतलब कि जो हम बोलते हैं दंत से जहां से आवाज निकले वो होते हैं ये ता वर्ग। ता था दा धा ये जो वर्ग हैं, ये उच्चारण है, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो कि दंत है से स्टार्ट होती है, मतलब कि दांत से यहाँ से आवाज निकलती है इनकी। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो पा बोलते हैं हम, तो पा वर्ग का स्थान क्या है, तो ये होता है ओष्ठ। अब पा हम बोलते हैं तो पा फा वा, तो हमारी ये आवाज जो है वो ओंट से निकलती, ओंट यहाँ से निकलती, यहाँ से ओंट को टेढ़ा करके निकालते हैं। तो यहाँ देखें जैसे आप पा बोलेंगे तो पा फा वा, इस तरह से जो वर्ण बनते हैं वो पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओंट। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालु, मतलब कि तलवाय। तलवाय मतलब कि तलुए के नीचे से आवाज जो निकलती है हमारी ओंटों की, या तलवा हो तो तलवा से निकलती है। तो चा छा झा इस तरह की जो वर्ण बनते हैं वो चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि तलवाय के अंतर्गत इनको बोला जाता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न है, छत्रज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको बता दें कि जो वर्णमाला में लगभग, आपको बता दें कि वर्णमाला में जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण जो होते हैं इसके अंतर्गत 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। 4 संयुक्त मिलाकर 39 जो होते हैं व्यंजन होते हैं, और बाकी 13 जो होते हैं वो होते हैं स्वर। तो इनको मिला दें आप तो 52 वर्ण बनते हैं, ठीक है, इनको याद रखें आप। इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है। तो सोना एक द्रव्यवाचक है। आप देखें जो भी नापे तोलने वाली चीजें होती, जैसे सोना है ये तोलने वाली चीज है ना। लीटर की बात करें तो दूध जो है ना, कोई भी तोलने का कोई भी वस्तु जो है वो तौली जाए या नापी जाए तो वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। भाववाचक के अंदर जैसे मिठाई है आपकी, है ना, क्रोध है, जब भी आप कोई भाव उत्पन्न हो आपके अंदर या आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न हो तो ये भाववाचक होती है। समूह, जब किसी एक समूह की बात की जाए कि मान लीजिए एक समूह है, जैसे कि टीम, टीम जो है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की टीम में, या हॉकी की टीम इसमें भी 11 खिलाड़ी होते, एक समूह की बात की जाती है तो ये समूह होता है, समूहवाचक, ठीक है, इनको आप याद रखें। अगला प्रश्न है, फूल कौन सी संज्ञा है। तो इसको याद रखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फूल जो है एक जाति बता रही, फूल जो है कोई सा भी फूल हो सकता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, है ना, चमेली का फूल, तो एक जाति, इसने पूरी अपनी जाति को बता दिया है, तो इसको बोलेंगे फूल जो है वो जाति वाचक है। और समूह की बात जब होती है, एक टीम की बात, एक दल की बात, तो ये समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, एक विशेष व्यक्ति, जैसे राम है ना, किशन है, कोई भी एक नाम, विशेष नाम जब दिया जाता है एक ही नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक होता है। भाववाचक, जिसमें एक भाव उत्पन्न हो, मिठाई है, क्रोध है ना, तो ये सारे वाचक आप याद रखें। अगला प्रश्न है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी जो शब्द है वो एक भाववाचक, मतलब इसमें ईमानदारी आपकी झलक रही है तो ये भाववाचक है। अगला प्रश्न है, लंबोदर, तो लंबोदर में जो शब्द है वो है योग रूढ़, मतलब कि यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द की जो भी, जैसे आपको बता दें कि योग रूढ़ जो होते हैं वो समास का बहुवीय समास होते हैं, जो भी समास के बहुवीय समास होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं योग रूढ़ होते हैं। अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है। तो याद रखें आप पे कि आप जो शब्द है वो एक निश्चय वाचक सर्वनाम है। क्यों है, क्योंकि आप यह काम कर रहे हैं, यह एक किताब है, तो ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो वो निश्चित है, एक निश्चय वाचक है, मतलब एक निश्चित शब्द बोला जा रहा है। और आप यहाँ देखें कि सर्वनाम जो होता है वो प्रोनाउंड भी होता है, इंग्लिश में इसे प्रोनाउंड कहते हैं, और प्रोनाउंड के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है,
कि सर्वनाम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो छह प्रकार का होता है, याद रखें। अगला प्रश्न है पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब कि जो संस्कृत से जैसे कि जैसे निकल आते हैं, मतलब कि संस्कृत से जो शब्द निकल कर हिंदी में आ गए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है, इसको याद रखें। अब यहाँ पूछा जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अग्नि है, तो अग्नि जो शब्द है वो हिंदी में आता है लेकिन ये संस्कृत शब्द है अग्नि है ना। वायु है, वायु भी ये जो है वो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, तो इनको याद रखें। अगला है शब्द है ख्याल कौन सा शब्द है, तो ख्याल जो है विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द मतलब कि जो कि विदेशों से शब्द आया है, जैसे पहले ब्रिटेन सरकार रही है, फारसी रही है, तो ये जो पहले रहे हैं इनके कारण ये जो है काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो कि उन देशों से लाए गए थे और अब भी भारत में वो बोले जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखें आप। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बना दी है, समास से संबंधित एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे समास को याद करने की, पहचान करने की ट्रिक बनाई है, तो वो बिल्कुल आप जरूर देख लें। और यहाँ भी आपको मैं ट्रिक से समझा देता हूँ, प्रतिदिन देखें प्रति यथा और अनु और भर, ये शब्द अगर आते हैं किसी शब्द के शुरुआत में तो वो शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। प्रति अनु भर यथा, ये जब भी प्रारंभ होंगे तो अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, यहाँ देखें योजक चिन्ह लगा है, जब भी किसी दो वर्णों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, जैसे माता पिता लिखा जाता है ना, माता और पिता, तो योजक चिन्ह दिन रात, तो दिन रात जैसे ही हम लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, है ना, तो योजक चिन्ह जब भी प्रयोग होगा तो वो होता द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में होता है, तो याद रख लें आप। अगला प्रश्न है दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर जो शब्द है वो एक समूह है, दो पहरों का समूह, मतलब कि दोपहर सुबह और शाम का दो पहर जुड़े हैं, है ना, नवरात्रि, तो नवरात्रियों का मतलब नौ रात्रि का समूह, समूह की जब भी बात की जाए तो इसका आंसर डी है, जो कि द्विगु समास, द्विगु समास हमेशा समूह की बात की जाती है, चाहे तो पंचवटी की बात की जाए या दोपहर की बात की जाए या आप बात कर लें नवरात्रि की बात की जाए, जब भी समूह की बात की जाए तो आप बिल्कुल द्विगु समास को टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो इसमें आप देखें जब भी चौराहे पर देखें आप तो सिग्नल लगे होते हैं, तो सिग्नल पर दर्शाया जाता है, तो इसमें एक संकेत शब्द निकल रहा है, तो संकेत वाचक वाक्य है क्योंकि इसमें संकेत दिया जा रहा है, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो एक संकेत है। और वहीं आज्ञा की, जब कोई आज्ञा दे कि तुम यह काम करो तो ये आज्ञावाचक है ना, तो इस तरह से आप इनको याद रखें। अगला शब्द है तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये कौन सा वाक्य है, तो इसमें एक इच्छा जाहिर की जा रही कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, तुम आगे चलकर एक डॉक्टर बन जाओ, तो इच्छा यहाँ पर जागृत की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कपीस का जैसे ही हम संधि विकसित करते हैं तो कपी प्लस ईस, तो कपी प्लस ईस मतलब की दीर्घ संधि, दीर्घ मात्र निकल रही मतलब की दीर्घ संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्येक में समास है, प्रत्येक जो शब्द है उसमें समास कौन सा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि प्रा अनु प्रति, तो प्रा से स्टार्ट हो रहा है मतलब पा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप अव्ययी भाव समास में टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है तिरंगा क्या है, तिरंगा जो है वो कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, इसका आंसर वी है, जो कि बहुव्रीहि समास है, तो इसको आप याद रख लें। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका आंसर सी है, जो कि कवित्री होता है, तो कवित्री को आप याद रख लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में से व्यंजन संधि कौन सी है, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप ये देखें पहली, तो पहली जो है इसमें देखें आप सत्य ऋषि मतलब कि सत्य प्लस ऋषि, तो ये दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि इसको याद रखें। अब यहाँ देखें बी सत्यकार, सत्य ये भी दीर्घ संधि है, हिमालय हिम धन आलय मतलब यहाँ भी बड़ी मात्रा निकल रही है, तो ये भी क्या दीर्घ संधि है। डी नंबर बचता है निराधार, मतलब निराधार मतलब ही आपकी व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि कौन सी है निराधार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में ऐसे विसर्ग संधि कौन सी है, तो यहाँ देखें नरेंद्र, नर धन इंद्र मतलब की दीर्घ संधि, और सत धन जन मतलब की यहाँ देखें व्यंजन संधि है ये, और सदैव, सदैव जो है शब्द वो है आपकी वृद्धि संधि, स्वर संधि का रूप जो है, स्वर संधि जो होती है पांच प्रकार की होती है, इसमें से वृद्धि एक दूसरा प्रकार है, तो हमेशा याद रखें ये ऐ की मात्र जब भी लगी होती किसी भी शब्द में संधि में तो आप इसको वृद्धि संधि याद रखें। तो यहाँ बचता है डे, तो डी जो है अत एफ जो है वो विसर्ग संधि है, तो इसको याद रखें।
अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13 होता ही है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था मैंने कि इससे पहले जो बताया था कि 13 होती हैं, जिसमें कि 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं, लेकिन इसकी जो सही संख्या है वो है 11। तो 11 याद रखें, और इसमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो जो भी अपनी राय वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और समझ लेते क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयुगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, जो कि अंग आहा। अंग आहा जो शब्द होते हैं वो आयुगवाह के अंतर्गत आते हैं, योजक चिन्ह जो होते हैं वो अगर आते हैं तो वो आप आयुगवाह में याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो मा वर्ण जो है वो घोष वर्ण है, तो इनको याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो भा जो है वो आपका अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न है, छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बता दें कि ये संयुक्त वर्ण होते हैं, जिनमें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है, क्षत्रज्ञ और ऋषि श्रावण आते हैं, जो वो होता है संयुक्त वर्ण, ठीक है। अब इससे संबंध पूछा जाता है कि ये किससे बनकर बनता है, तो का प्लस 66 कोण वाला, इसको दोनों को मिला दें तो क्षत्रक की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों की संयुक्त से बना है? तो इसका आंसर सही है बी, जो कि जा और आ, इन दोनों के मिलने से ज्ञा ध्वनि वर्ण निकलती है। अगला प्रश्न है, आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण जो है वो सा वर्ण जो है आघोष वर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, क्या और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ वीडियो बनाकर, और किसी प्रश्न में अगर त्रुटि है तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें ये गलती है। और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी प्रकार की जानकारी मिलती है, तो वह आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।